हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक प्रॉब्लम लिए थे, उसी के साथ साथ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो भी हमने बताए थे, और उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने कवर किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 degrees टू HP, इट्स एंड ए इज 10 mm अबव द HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज 50 mm, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है। देखिए ये सेकंड प्रॉब्लम है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के वीडियो में बताए थे, क्योंकि अगर वो रूल्स अगर आपको पता है तो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने बताए थे कि प्रोजेक्टर्स क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ट्रू लेंथ क्या होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, एक्स वाई लाइन के ऊपर पॉइंट कब ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई लाइन के नीचे पॉइंट कब ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर क्या होता है, लोकस क्या होता है, ये सारे के सारे नंबर ऑफ रूल्स हमने वो वीडियो में बताए थे। तो वो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो रूल्स आप अगर स्टडी करेंगे तो आज का प्रॉब्लम आसानी से समझ में आएगा। तो आप पहले वो रूल्स स्टडी करिए, उसी के साथ साथ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के भी हमने नंबर ऑफ रूल्स बताए थे, जिसमें पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो उसका पोजीशन कैसे रीड करना वो भी हमने बताए थे। तो ये सभी रूल्स आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वही रूल्स का यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकंड प्रॉब्लम है, और हम सबसे पहले इसके गिवन डाटा लिखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले गिवन डाटा लिखो। गिवन डाटा में 5 डाटा दिया होना चाहिए, 5 से कम डाटा अगर दिया है तो वो स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहां गिवन डाटा क्या लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग। लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग है, इसका मतलब लाइन का ट्रू लेंथ दिया है, लाइन का लेंथ मतलब ट्रू लेंथ, तो यहां पे ट्रू लेंथ हो गया 70 mm। तो हम लिखेंगे गिवन डाटा, तो यहां लिखेंगे गिवन डाटा, तो ट्रू लेंथ हो गया 70 mm। क्वेश्चन में लिखा है लाइन का लेंथ माने ट्रू लेंथ, तो वो हमने लिख लिया। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 degrees टू HP। लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 30 degrees टू HP, मतलब लाइन 30 degrees इंक्लाइंड है HP के साथ। लाइन यानी ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ ऊपर भी होता है, ट्रू लेंथ नीचे भी होता है, जैसे हमने इसके पहले बताए थे। ट्रू लेंथ जो ऊपर होता है उसका एंगल थीटा होता है, ट्रू लेंथ जो नीचे होता है उसका एंगल फाई होता है। लाइन अगर इंक्लाइन है HP के साथ, इसका मतलब ट्रू लेंथ का एंगल दिया है HP के साथ, इसका मतलब जो ऊपर का ट्रू लेंथ है उसका एंगल दिया है, मतलब यहां पे थीटा दिया है। तो ये हम लिखेंगे थीटा, हम यहां लिखेंगे थीटा, थीटा जो कि दिया है 30 degrees। तो क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, इट्स एंड ए इज 10 mm अबव द HP, एंड ए इज 10 mm अबव द HP, अबव द HP माने अबव द रेफरेंस लाइन, अबव द HP मतलब अबव द रेफरेंस लाइन, मतलब एक्स वाई लाइन से ऊपर ड्रॉ करना है, अबव द HP मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर, और उसमें डैश लगाना है क्योंकि पॉइंट का रिलेशन HP के साथ है। तो यहां पे पॉइंट ए, हम इसको कहेंगे पॉइंट ए इज 10 mm अबव द HP, तो हम इसमें डैश लगाएंगे और हम इसमें लिखेंगे 10 mm अबव HP, तो ये इतना हो गया। आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, पहले लिखा था एंड ए इज 10 mm अबव द HP, तो हमने एक्स वाई लाइन के ऊपर शो करना है और उसमें डैश लगाना है। अब लिखा है 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब जो एंड ए 10 mm अबव HP है वही एंड ए 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। इन फ्रंट ऑफ मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे, अबव मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर, और इन फ्रंट ऑफ मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे, और इसमें डैश नहीं लगेगा। तो ये हो गया ए, सिर्फ ए, That is, हम लिखेंगे 15 mm IFOVP, मतलब इन फ्रंट ऑफ VP। आगे पढ़ेंगे
फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज 50 mm, मतलब फ्रंट व्यू का लेंथ दिया है 50 mm, मतलब उसका लेंथ दिया है। तो फ्रंट व्यू का सीधा सीधा लेंथ दिया है, हम लिखेंगे 50 mm। और अब बोलता है प्रॉब्लम में ड्रॉ द प्रोजेक्शंस। तो ये गिवन डाटा आपके सामने है और ये गिवन डाटा का यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होता है, इट मींस एक्स वाई लाइन। तो आइए सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई लाइन। तो ये देखिए, ये हमने एक रेफरेंस लाइन बना ली और अब हम इसके ऊपर एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होना, तो ये हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। प्रोजेक्टर जो है वो आप फेंट बनाएंगे, फेंट ड्रॉ करने के लिए आप 4H नंबर का पेंसिल यूज करेंगे। तो ये हमने एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। और अब ये प्रोजेक्टर के ऊपर आप पॉइंट ए का पोजीशन शो करेंगे। तो पॉइंट ए का पोजीशन अगर आपको शो करना है तो क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट ए इज 10 mm अबव द एचपी, ए डैश। ए डैश जो है वो 10 mm अबव द एचपी, मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर ए डैश 10 mm अबव द एचपी है। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर आप 10 mm यहां पे लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहां पे 10 mm अबव द एचपी ये हमने यहां ले लिए पॉइंट ए, तो ये हम यहां लिखेंगे ए डैश। और इट मीन्स हमने ये सॉल्व कर लिए। देन यहां पे लिखा है ए इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो एक्स वाई लाइन के नीचे आप 15 mm यहां पे शो करेंगे। तो ये हमने शो करे एक्स वाई लाइन के नीचे 15 mm, तो ये हम यहां लिखेंगे ए। तो पॉइंट कितना ऊपर है, पॉइंट कितना नीचे है, वो आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। इट मीन्स यहां पे आपको डायमेंशन लिखना पड़ेगा, हर चीज के मार्क्स मिलेंगे तो आपको डायमेंशन लिखना कंपलसरी है। तो ये हम यहां लिख लेंगे कि पॉइंट कितना ऊपर है, पॉइंट कितना नीचे है। तो ये पॉइंट 10 mm अबव एचपी है और 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो ये हमने यहां लिख दिया है। और अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पे थीटा अप्लाई करेंगे। देखिए थीटा माने क्या होता है, थीटा माने ट्रू लेंथ का एंगल होता है। ये देखिए यहां पे एक हमने एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना के रखी है, ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि थीटा आपको कहां दिख रहा है। देखिए थीटा इट मीन्स ट्रू लेंथ का एंगल। देखिए ट्रू लेंथ आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है और ट्रू लेंथ आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है। ट्रू लेंथ जो ऊपर है उसको उसका एंगल है थीटा, और ट्रू लेंथ जो नीचे है उसका एंगल है फाई। ऊपर ट्रू लेंथ इंक्लाइंड है, इसका मतलब लाइन इंक्लाइंड टू एचपी है और वो थीटा है, और नीचे ट्रू लेंथ इंक्लाइंड है उसका एंगल फाई है, इट मींस लाइन इंक्लाइंड टू वीपी है, इट मींस फाई है। तो यहां पे थीटा दिया है, इट मींस ये देखिए यहां पे थीटा दिया है, इट मींस ट्रू लेंथ का एंगल दिया है एचपी के साथ, माने थीटा दिया है। ये देखिए ये जो है ट्रू लेंथ का एंगल थीटा, वो आपको यहां पे ए डैश से आपको यहां ऊपर लेना है। तो एंगल लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए डैश से एक पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली और अब यहां पे 30 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये हमने 30 डिग्री का एंगल ले लिए। अब यहां पे ट्रू लेंथ का जो एंगल है वो एंगल पे आप लाइन बनाएंगे। तो ये हमने लाइन बना दिया 30 डिग्री पे, और अब आपको यहां पे ट्रू लेंथ का लेंथ मार्क करना है। ट्रू लेंथ का लेंथ कितना दिया है चेक करो, आपने ये जो एंगल लिए ये 30 डिग्री का एंगल लिए, इट मीन्स आपने ट्रू लेंथ का एंगल लिए। तो ट्रू लेंथ का एंगल लिए तो आपको यहां एंगल फिलहाल शो करना पड़ेगा। तो ये 30 डिग्री का एंगल हमने लिए, तो 30 डिग्री एंगल पे हमें यहां पे ट्रू लेंथ यहां पे शो करना है, जो भी ट्रू लेंथ है वो आपको यहां शो करना है। ट्रू लेंथ का लेंथ दिया है कि चेक करो, ट्रू लेंथ का लेंथ दिया है 70 mm, तो जो भी 70 mm का लेंथ है वो आप यहां मार्क करेंगे। तो 70 mm हम यहां लेंगे, तो ये हमने ले लिए 70 mm। ये देखिए यहां पे 70 mm, तो ये ट्रू लेंथ का पॉइंट आ गया। हम इसको नाम देंगे B1 डैश, तो ये हमने नाम दे दिया B1 डैश। और अब हम यहां पे ट्रू लेंथ जो है वो थोड़ा सा डार्क बना लेंगे। ट्रू लेंथ दोनों ट्रू लेंथ का लेंथ और फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये आपका डार्क होना चाहिए, और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज करो। तो ये देखिए ये हमने ट्रू लेंथ यहां पे ड्रॉ कर लिए, और अब हम क्या करेंगे, देखिए गिवन डाटा में ट्रू लेंथ हो गया, थीटा हो गया, ए डैश ए हो गया, और अब रह गया फ्रंट व्यू। अब हमें फ्रंट व्यू का लेंथ यहां पे शो करना है। तो फ्रंट व्यू कैसे शो करेंगे, देखिए देखिए फ्रंट व्यू अगर आपको शो करना है तो यहां पे देखिए ट्रू लेंथ के लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू का पॉइंट है। देखिए ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है, ये फ्रंट व्यू का पॉइंट है। फ्रंट व्यू माने ए डैश बी डैश। तो अगर आपको फ्रंट व्यू शो करना है तो हमने बताए थे रूल कि फ्रंट व्यू का पॉइंट हमेशा ट्रू लेंथ के लेफ्ट साइड में होता है। ये देखिए यहां पे फ्रंट व्यू का पॉइंट लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और टॉप व्यू का पॉइंट भी जो है वो ट्रू लेंथ के पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है। ट्रू लेंथ का पॉइंट हमेशा राइट साइड में होता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पॉइंट लेफ्ट साइड में होता है। तो ये फ्रंट व्यू का पॉइंट है, तो ये हमें शो करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लोकस ड्रॉ करना पड़ेगा, लोकस ऑफ बी डैश, जो कि पैरेलल टू एक्स वाई रहेगा। तो यहां पे हम वही करेंगे, एक्स वाई लाइन को एक्जैक्टली पैरेलल यहां B1 डैश जो हमारे पास पॉइंट है वहां से एक लोकस ड्रॉ करेंगे। तो ये हम एक लोकस ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स वाई, और इसके ऊपर हम लिख देंगे लोकस ऑफ B डैश। तो ये लोकस ऑफ B डैश हमने ड्रॉ कर लिए एक्जैक्टली पैरेलल टू एक्स वाई,
और अब ये लोकस पे आपको B1 डैश के लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू का पॉइंट यहां कहीं ना कहीं मार्क करना है। तो फ्रंट व्यू का लेंथ दिया है क्या, चेक करो, बिल्कुल दिया है फ्रंट व्यू का लेंथ 50 mm। तो फ्रंट व्यू का लेंथ कंपास में लो और फ्रंट व्यू का लेंथ कंपास में लेके ए डैश पे रखो और इधर कट करो। तो ये हमने कंपास में फ्रंट व्यू का लेंथ यहाँ पे ले लिए और ए डैश के ऊपर रख के हम यहाँ पे कट करेंगे। देखो कंपास का सेंटर हमारा ए डैश पे है और ये हमने यहाँ कट करे 50 mm जो फ्रंट व्यू का लेंथ है वो हमने वहां कट किए। और अब आप क्या करेंगे, उसको ए डैश से ज्वाइन करेंगे। तो ए डैश से ज्वाइन करना कंपलसरी है ताकि हमें फ्रंट व्यू यहाँ पे मिल जाए। तो ये हमने ए डैश से ज्वाइन कर दिए और ये हमें फाइनली फ्रंट व्यू मिल गया। और अब यहाँ पे नेमिंग भी यहाँ पे दे देंगे, ये फ्रंट व्यू का पॉइंट है बी डैश। तो गिवन डाटा जो दिया था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। फ्रंट व्यू के ऊपर हम लिख लेंगे एफ वी, ऊपर के दोनों लाइंस बन चुकी है। अब हमें नीचे की लाइंस ड्रॉ करना है, इट मीन्स हमें नीचे का टॉप व्यू और ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू और ट्रू लेंथ में सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ कैसे बनेगा देखिए, ट्रू लेंथ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, हमने जो रूल बताए थे उसके अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे और वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ट्रू लेंथ मिलता नीचे का, क्योंकि रूल है फ्रंट व्यू को। ये देखिए यहां पे घुमाया हुआ है, ये देखिए फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, फ्रंट व्यू को हमने रोटेट किए है, देखिए फ्रंट व्यू को रोटेट किए है ये, और यहां से वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट किए है। फ्रंट व्यू को रोटेट करके वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको यहां नीचे ट्रू लेंथ का लेंथ मिलता है, ट्रू लेंथ का पॉइंट मिलता है। तो हमें वही करना है। तो चलो यहाँ पे फ्रंट व्यू तैयार है, फ्रंट व्यू को रोटेट करो और वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करो। और रोटेट करने के लिए हम लोग कंपास का यूज करेंगे। तो ये हमने फ्रंट व्यू का लेंथ कंपास में ले लिए और फ्रंट व्यू को रोटेट करो ए डैश एज अ सेंटर। तो ये देखिए ये हमने फ्रंट व्यू को रोटेट कर लिए और अब ये यहां से वर्टिकली उसको नीचे प्रोजेक्ट करो। तो वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, प्रोजेक्टर हमेशा फेंट होना। तो ये हमने वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट कर लिए और अब आपको यहां पे ट्रू लेंथ मार्क करना है, इट मीन्स ये लाइन पे ट्रू लेंथ आएगा। हमने यहां पे एरो दिए है, आपको एग्जाम में एरो देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ट्रू लेंथ अगर आपको नीचे मार्क करना है तो ट्रू लेंथ का लेंथ 70 mm है हमारे पास, तो वही ट्रू लेंथ का लेंथ कंपास में लो, यहां से ट्रू लेंथ का लेंथ यहां से कंपास में लो और उतना ही लेंथ आप ये ए के ऊपर रख के इधर कट करो। तो वही हमें करना है। तो ट्रू लेंथ का लेंथ हम कंपास में लेंगे और ये देखिए ट्रू लेंथ हमारे पास है, ये ट्रू लेंथ का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ए डैश बी वन डैश जो ट्रू लेंथ है हमारे पास ऊपर, वही ट्रू लेंथ हमने यहां ले लिए, ए के ऊपर रखेंगे और कंपास का सेंटर ए पे रख के हम इधर नीचे और यहां पे कट करेंगे। तो ये देखिए यहां पे कट गया, तो ये हो गया ट्रू लेंथ का पॉइंट, हम इसको कहेंगे बी वन। तो ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल गया बी वन और उसको ए से ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्रू लेंथ यहां नीचे में मिल जाएगा। तो ये हम नीचे ट्रू लेंथ यहां कंफर्मली अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आ गया नीचे ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ आ गया। अब हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो ट्रू लेंथ के ऊपर आप लिखेंगे टी एल ट्रू लेंथ। और अगर आपको टॉप व्यू चाहिए तो टॉप व्यू के लिए क्या करेंगे, देखिए टॉप व्यू का पॉइंट, ये ट्रू लेंथ का पॉइंट हो गया बी वन, हमें यहां पे मिल गया। अब टॉप व्यू का पॉइंट बी वन के लेफ्ट साइड में रहेगा क्योंकि हमने रूल बताए थे कि फ्रंट व्यू का पॉइंट और टॉप व्यू का पॉइंट दोनों पॉइंट जो है वो ट्रू लेंथ के पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है, ट्रू लेंथ का पॉइंट हमेशा राइट साइड में रहेगा। ये देखिए ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है राइट साइड में है और ये फ्रंट व्यू का पॉइंट है जो कि लेफ्ट साइड में है और टॉफी का पॉइंट भी लेफ्ट साइड में है। तो ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है, ट्रू लेंथ के पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ टॉफी का पॉइंट रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लोकस ड्रॉ करना पड़ेगा। हम पहले तो एक लोकस बनाएंगे एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स वाई। लोकस क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जैसा हमने लोकस ऊपर ड्रॉ किए लोकस ऑफ बी डैश, उसी तरह का लोकस हमें यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा लोकस ऑफ बी। अब ये लोकस पे हमें शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, बहुत आसान है। उसके लिए हमने एक रूल बताए थे, रूल नंबर वन, हमने रूल बताए थे कि फ्रंट व्यू टॉफी के पॉइंट्स हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, फ्रंट व्यू और टॉफी के पॉइंट्स हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जैसा ए डैश और ए एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, जैसा ए डैश और ए एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, उसी तरह से बी डैश और यहां का बी वो भी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। ये देखिए यहां पर जैसा हम बता रहे ए डैश और ए एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, उसी तरह से बी डैश और बी ये भी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है। ये हमेशा ये सिर्फ फ्रंट व्यू टॉफी के पॉइंट्स के लिए है, फ्रंट व्यू टॉफी के पॉइंट्स सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ट्रू लेंथ के पॉइंट नहीं। ट्रू लेंथ का पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ये जो ट्रू लेंथ का पॉइंट है बी वन डैश और ये जो ट्रू लेंथ का पॉइंट है बी वन, ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है ऐसा हमने नहीं बताया। तो ये रूल जो है सिर्फ फ्रंट व्यू टॉफी पॉइंट्स के लिए ही है कि फ्रंट व्यू टॉफी के पॉइंट्स हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो ए डैश और ए एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, तो चलो अब हम बी डैश से भी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इट मीन्स एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे वर्टिकल और वो यहां पे जहां पे कट जाएगा वहां पे हमें टॉफी का पॉइंट मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे, तो जो हमें बी डैश हमारे पास है ऊपर वहां से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू टॉफी के पॉइंट्स एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो ये देखिए
एक वर्टिकल प्रोजेक्टर हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और देखिए यहां पे कट गया। अब ये जहां पे कट गया वो हमें टॉफी का पॉइंट दे देगा, तो यहां पे टॉफी का पॉइंट मिल गया, हम इसको कहेंगे बी, और ये टॉफी के पॉइंट को ए से हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमने ए से ज्वाइन कर लिए तो हमें टॉफी मिल गया, और यहां पे हम इसके ऊपर लिखेंगे टीवी, और यहां पे आपको एंगल मेजर करना है तो आप ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, इट मीन्स ए से एक लोकस ड्रॉ कर लो, और यहां पे आप एंगल मेजर कर सकते हैं। यहां पे ट्रूलेन का एंगल जो ट्रूलेन का नीचे का जो एंगल है वो नहीं दिया था, तो यहां पे आप मेजर कर सकते हैं ट्रूलेन का नीचे का एंगल, इट मीन्स फाइव, और आप यहां पे रिजल्ट में लिख सकते हैं। यहां पे रिजल्ट में रिजल्ट हमेशा राइट बॉटम कॉर्नर पे लिखना है, तो यहां फाइव आप लिख सकते हैं रिजल्ट में, जितना भी डिग्री आता है वो आपको यहां लिखना है। और भी कुछ अगर आपको लिखना है, जैसे फ्रंट व्यू का लेंथ प्रॉब्लम में दिया था, टॉफी का लेंथ नहीं दिया था, तो आप चाहे तो टॉफी का लेंथ भी यहां पे लिख सकते हैं। तो फाइनली ये प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट होता है। इसको आप ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करिए और जो भी रिजल्ट आता है वो यहां पे लिखिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया है। इसके पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक प्रॉब्लम लिए थे, उसी के साथ साथ नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले इंजीनियरिंग ड्रॉइंग से रिलेटेड लिए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।